स्वारघाट के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 205 मुकाम डडवाल के पास एक कार जिसका नंबर HR02AP8854 जो स्वारघाट की तरफ से आ रही थी, जिसको चालक संजीव कुमार वालिया उम्र 50 साल निवासी हाउस नंबर 2753 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 17 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा चला रहा था। वह एक ट्रक जिसका नंबर HP03C2621 वह भी स्वारघाट की तरफ से आ रहा था, जिसको चालक सुनील कुमार सुपुत्र कृष्णदास गांव दाड़ीवाड़ी डाकखाना मतला तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर चला रहा था। तभी डडवाल के पास ट्रक ने नीचे से कार को टक्कर मार दी, जिस कारण ट्रक व कार अनियंत्रित होकर करीब 80-90 फुट सड़क से नीचे गिर गई, जिसमें दोनों चालकों को चोटें आई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट लाया गया तथा दोनों चालकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट से सरकारी अस्पताल नालागढ़ का रेफर कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। सोलन में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ खिसक रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं। अब उसके बाद शहर में एक और समस्या पैदा हो गई है। ये समस्या है सोलन शहर में लगे हुए पुराने पेड़ों की। ये पेड़ बेहद बूढ़े और खोखले हो चुके हैं, जो कभी भी गिरकर एक बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। पहले तो नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग खुद ही खतरनाक पेड़ों को चयनित कर काट देता था, लेकिन अब शिकायत करने के बाद भी नहीं काट रहा है। ऐसा ही पेड़ जोड़ा जी सड़क पर स्थित है, जो बेहद बुरा हो चुका है और गिरने की कगार पर है। स्थानीय लोगों ने इस पेड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये पेड़ सड़क के किनारे लगा है और बेहद झुक चुका है और गिरने की कगार पर है। ये पेड़ अब एक मकान के सहारे टिका हुआ है। अगर तेज हवा चलती है तो ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। अगर ये पेड़ गिरेगा तो बिजली की तारें भी इसकी जद में आ सकती हैं। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। उन्होंने बताया कि इस पेड़ के बारे में वे विभिन्न विभागों में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन शायद सभी विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार में हैं। लेकिन बड़े हादसे के बाद जागने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे इस पेड़ को जल्द कटवाएं, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। असुरक्षित भवनों के ढहने से जान माल के नुकसान की घटनाओं की सूचना मिलते ही हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर क्षेत्रीय कार्यालय और वर्कशॉप के कर्मचारियों के दिन का चैन और रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। वर्ष 1985 में निर्मित शिमला जिले के रामपुर बुशहर परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय और वर्कशॉप अब जर्जर हो चुका है। भवन में कई जगहों पर मोटी दरारें आ गई हैं। भवन का बीच से जॉइंट भी करीब 1.5 फुट खुल चुका है। इस परिसर में निगम के रीजनल मैनेजर समेत उनका पूरा स्टाफ भी बैठता है। इसके अलावा नीचे वर्कशॉप है, जहां करीब 100 लोग कार्य करते हैं। इसके अलावा धरातल में कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों के एक दर्जन से अधिक रिहायश हैं। भवन की दुर्दशा को लेकर कर्मचारियों ने कई बार निगम उच्च प्रबंधन तक को लिखित रूप से अवगत करवाया है, लेकिन अब तक उनकी फरियाद नहीं सुनी गई है। इतना जरूर है कि विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर आकर भवन का मुआयना किया, उसके बाद टीम ने भी इसे सुरक्षित बताया, लेकिन कर्मचारी भवन की वर्तमान दशा को देख खासकर बरसात के मौसम में ना तो दिन में इत्मीनान से काम कर पाते हैं और ना ही इसमें रहने वाले चैन से सो पाते हैं। वर्कशॉप कर्मी शादीलाल ने बताया कि हिमाचल परिवहन निगम के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय और कार्यशाला भवन की खस्ता हाल है। भवन में काफी दरारें आई हैं, ये कभी भी गिर सकता है। वे यहाँ खतरे में काम कर रहे हैं। कार्यशाला कर्मी किशोरी लाल ने बताया कि उनकी वर्कशॉप बिल्डिंग की बहुत खराब हालत है। इस बारे
निगम प्रबंधन को भी मौखिक और लिखित में अवगत करवाया गया है, ये भवन कभी भी ढह सकता है। उन्होंने बताया कि 6 माह से दरारें अधिक हो गई हैं, कभी भी भूकंप आ जाए तो भवन ढह सकता है। खतरे के साए में कर्मचारी काम कर रहे हैं। निगम कर्मी हितेंद्र ने बताया कि निगम के अधिकारी बार बार जांच करने आते हैं और वे इसे क्लीन चिट देकर चले जाते हैं। वर्कशॉप की दशा ठीक नहीं, काम करना मुश्किल है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक गुरबचन सिंह ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम को मौके पर लाया गया था। उन्होंने इसका अध्ययन किया और पाया कि ये भवन सुरक्षित है। इतना जरूर है कि इसकी मुरम्मत की जानी है, उसके लिए प्राकलन आदि बना दिया गया है और इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा।